आजकल खरीदारी करना जितना आसान हो गया है, उतना ही मुश्किल असली और नकली सामान के बीच फर्क करना हो गया है। ऑनलाइन ऑर्डर करने पर तो नकली या मिलावटी सामान मिलने की संभावना और ज्यादा रहती है, इसलिए नकली सामान बेचने वाले और मिलावटखोरी करने वाले लोगों पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने एक ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत की है। आप यहां शिकायत करके घर बैठे हुए मिलावटखोरों को सबक सिखा सकते हैं। आपकी शिकायत का निपटारा यहां मात्र 15 दिन के भीतर कर दिया जाता है। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि बहुत कम लोग ही इस बारे में जानते हैं, इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपको यही जानकारी देने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि और भी रोचक जानकारियां आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहां शिकायत के लिए सबसे पहले आपको फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट fossco.fssai.gov.in कंज्यूमर ग्रीवेंस पर जाना होगा। ऐसा करने से वेबसाइट पर नया पेज खुल जाएगा। उसके बाद दिए गए निर्देशों के मुताबिक कॉलम भरना होगा। आपको मिलावट वाली वस्तु का फोटो भी यहीं अपलोड करना होगा। बस इतना भरने से आपकी शिकायत दर्ज कर ली जाएगी और उस पर कार्रवाई भी शुरू हो जाएगी। खास बात तो यह है कि आपकी शिकायत का 15 दिन के भीतर निवारण भी कर दिया जाएगा। आप यहां मिलावटी खाने बिना लाइसेंस के चल रहे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की भी शिकायत कर सकते हैं। आपको यह भी बता दें कि आपकी शिकायत फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के हेडक्वार्टर पर जाएगी। इसके लिए आपको कुछ आसान तरीके अपनाने होंगे। आप यदि एंड्रॉइड या आईफोन का इस्तेमाल करते हैं तो फूड सेफ्टी कनेक्ट ऐप डाउनलोड कर लें। इसके बाद आपको निम्न स्टेप्स फॉलो करने होंगे। सबसे पहले यहाँ पर आपको कस्टमर फॉर लॉजिंग ग्रेवेंस पर क्लिक करना होगा। इसके बाद क्रिएट न्यू अकाउंट पर जाकर जरूरी जानकारी भरनी होगी। इसके बाद जिस प्रोडक्ट या दुकानदार की शिकायत करनी है तो उसके लिए प्रोडक्ट का चयन कर सब कैटेगरी का चयन करना होगा। आपको दुकानदार का रजिस्ट्रेशन नंबर, लाइसेंस नंबर या पंजीकरण नंबर भरना होगा और साथ में बैच नंबर का भी विकल्प भरना होगा। इसके बाद बेचने वाले का पता और नीचे दिए गए बॉक्स में शिकायती प्रोडक्ट का विवरण भरना होगा और साथ में प्रोडक्ट की तस्वीर और उसके बिल को भी अपलोड करना होगा। अपनी निजी जानकारी भरने के बाद सबमिट वाला बटन दबाना होगा। बटन दबाते ही आपका कंप्लेन नंबर आ जाएगा। इसके बाद 15 दिन में स्थानीय अधिकारी के माध्यम से आपकी शिकायत का निवारण किया जाएगा। इसके अलावा कोई कंपनी गलत प्रचार कर रही है तो उसकी भी आप शिकायत कर सकते हैं। आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। फिर मिलते हैं किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।